मेरा नाम हाजी हैदर है और मैं DVM के फैकल्टी से 9 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं अगेंस्ट द इलीगल रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लस विलेज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मैरीन साइंसेज। यहाँ पे बैठने का जो मकसद ये है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप लोग एक ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का डिमांड ये है कि जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। दरअसल हम लोग का जो बुनियादी एजेंडा वो ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से जो रिमोट एरिया हैं स्पेशली आवारान खारान नोशके यहाँ पे जितने भी एरिया हैं वहाँ पे जो है नेटवर्क का सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे नेट ही नहीं है, तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है आप जो है एक तो ऑनलाइन क्लासेस का आप इजरा करते हैं, दूसरी तरफ से जो है नेट ही नहीं है और फिर जो फेल जो स्टूडेंट्स जिन सब्जेक्ट्स में फेल हैं वो प्रैक्टिकल हैं जिसमें सर्जरी शामिल है, जिसमें दूसरे तीसरे जो सब्जेक्ट हैं स्पेशली वो प्रैक्टिकल के उससे रिलेट करते हैं। तो जब हम लोग का डिमांड यही है कि इन स्टूडेंट्स को जो है एक समर दिया जाए और रिजल्ट को वापस रिवाइज किया जाए। जो रिज़ल्ट है वो एक बायस्ड रिज़ल्ट है, मैं समझता हूँ कि एक अनडेमोक्रेटिक रवैया है, एक गैर इखलाकी रवैया है, एक गैर सियासी रवैया है। स्टूडेंट को इस तरह दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो है क्योंकि हम समझते हैं एक चीज़ जो एक तशद्दुद है, एक हरासमेंट है, इसलिए ये बात सच है और ये हकीकत है कि जो तशद्दुद सहता है वही आगे जाकर जो है तशद्दुद करता है। एक जबर है, एक कॉलोनाइज्म जो एक माइंडसेट है, जो एक उसकी लहर है वो उस हम पर जो है प्रेशराइज हमें किया जा रहा है। तो हम लोग की जो बुनियादी डिमांड्स वो यही हैं कि इस जो आमराना रवैया है, इस जो डिक्टेटरशिप है या डिक्टोरियल अप्रोच इसको कहें, इसको ख़त्म किया जाए और स्टूडेंट्स के जो है जायज़ जो मुतालबात हैं, हमारा जायज़ मुतालबात यही है कि जो रिज़ल्ट को रिवाइज किया जाए और जो नॉन प्रोमोटेड स्टूडेंट्स हैं उनको आकर किस बेस पर जो है नॉन प्रोमोट किया गया है, उनको जो है वापस उनके रिजल्ट को चेक किया जाए, उनको जो है वापस एक स्पेशल समर दिया जाए ताकि वो कोरोना की वजह से जो इफ़ेक्ट हुए हैं, जो विक्टिम हुए हैं, उनको एक वापस मौका मिलना चाहिए, वो अपने जो है कुछ सब्जेक्ट्स वापस इम्प्रूव कर सकें, तो तब जो है हम इस रिज़ल्ट को मानते हैं। लेकिन अब जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोगों के जायज़ मुतालबात हैं, हम अपना अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के जायज़ मुतालबात मानने से इनकार करेगी तो हम इस जो है प्रोटेस्ट को मज़ीद इसको जो है वास्ट करेंगे, इसको मज़ीद जो है आगे ले जाएंगे। आइंदा लाए अमल जो है हम तब तय करेंगे जब हमारे सब दोस्त आकर बैठ कर हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वाजी। मेरी डेटा बंद है वाजी, मेरी डेटा बंद है। चला चला के डेटा दे हां पे अड़चन।